अजय जी का सवाल लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो है वो राय जानना चाहते हैं। 167 की इनकी बाइंग है और अच्छा मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा यहां पर इनको होता हुआ। स्टॉक की संख्या और होती तो और ये मुनाफा बड़े स्तर पर दिखता, लेकिन फिर भी अच्छा मुनाफा यहां पर अजय जी को होता हुआ। तेजस बैंक ऑफ बड़ौदा क्या अभी बने रहें, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो करेक्शन है, ये थोड़ा सा चाहिए भी था इन तमाम बैंकों को। देखो पीएसयू बैंक्स में हम देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से मुनाफा वसूली आ रही है ऊपरी स्तरों से। स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है और बट इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन की वो करीबन 244-245 के करीबन आ रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए लॉन्ग पोजिशन के लिए। जब तक ये स्टॉक 244-245 का लेवल ब्रीच नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस तक, तब तक ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपरी ऊपर में देखेंगे तो 260-62 के करीबन अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक 275 तक भी जा सकता है। तो 244 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए स्टॉक में, और पहला लक्ष्य रहेगा 262 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 275 का।